मनीष मनीष। बाय मूड ना या सीधे चलना। बाय इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है तुम्हें? बाय मूड कर सीधे चलना। बाय रिवर्स बैंड, ठीक है, बाय उल्टा मोड। एक्सेल बार 6 टन। दाएं और छोटी सड़क। छोटी दिक्कत है, बाई और रास्ता है, छोटी का पतली हुआ है इससे, वो बाई तरफ पार्श्व सड़क। चोरा बोलो गोल चक्कर। अच्छा गहरी खाई। दो सौ मीटर आगे रेलवे फाटक। फट गए रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग तो है, फटक वाली है, बिना फटक वाली है। अनगार्डेड अनगार्डेड या गार्डेड? अनगार्ड गार्डी गाड़ी गार्डेड गार्डेड, ये बैरिकेड के साइन है तो यहाँ पे गार्डेड है। अगर यहाँ इंजन छपा होता तो अनगार्डेड होती। रेलवे क्रॉसिंग तो है, ठीक है, बट उसको क्रॉस करने से पहले आपके पास क्या चीजें हैं? दो चीजें होंगी, तो फटक होगी या फटक नहीं होगी। रेडिएटर में क्या डाला जाता है? कूलेंट। कूलेंट। गाड़ियों के अंदर जो तेल डलता है वो किस लिए डालते हैं? उसके पार्ट को स्मूथ स्मूथ बनाने के लिए और घर्षण कम करने के लिए। पेट्रोल गाड़ी के अंदर कौन सा ग्रेड का तेल डलता है? W30। डीजल? W40। डिफरेंशियल? W90। पेट्रोल की गाड़ी में डिफरेंशियल में W90। पेट्रोल की में भी W90 सेम है दोनों? उसमें W80 हो। W80 हो? अरे गधे, डिफरेंशियल तो दोनों में सेम ही होगा, इंजन का ही तो फर्क है। इंजन का फर्क है तो इंजन बदल दिया तने, गेयरबॉक्स वही है, डिफरेंशियल भी वही है, उसमें कैसे बदल देगा तू? W90 वो चाहे किसी चीज का भी हो, वो चाहे CNG का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तेरा गियरबॉक्स और तेरा भाई डिफरेंशियल, वो सब में सेम होगा, सिर्फ इंजन का फर्क पड़ेगा, इंजन ऑयल का। हैंड ब्रेक का कार्य क्या होता है? गाड़ी के पिछले पहियों को रोकना और पार्किंग में इस्तेमाल किया जाता है हैंड ब्रेक। अच्छा, इसका कार्य है गाड़ी को, रुकी हुई गाड़ी को रोके रखना, ठीक है, लगता पिछले टायरों में है तो रुकी हुई गाड़ी को रोके रखना तो काम होगा इसका, पार्किंग का, ठीक है, और चलती गाड़ी में रुकने में सहायता करना, ठीक है, जैसे इमरजेंसी ब्रेक अगर आपके फेल हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो इसकी सहायता लेंगे ना, कुछ तो करेगी कम, यो तो सिर्फ उसमें कम करने के लिए और रुकी हुई गाड़ी को रोक के रखने के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि इनका संबंध किन टायरों से होता है? पिछले टायरों से। अगर हम गाड़ी के ब्रेक लगाएं तो अगले टायर और पिछले टायर का परसेंटेज या रेशियो क्या होता है रुकने का? इसका होता है परसेंटेज में 60% अगले टायर रोकेंगे और 40% पिछले रोकेंगे। अगर रेशियो में पूछा जाए तो 3:2, ठीक है, अगर मान ले 5 हिस्से गाड़ी चल रहे हैं तो उसमें रुकने का कार्य 3 हिस्से अगले करेंगे और 2 हिस्से पिछले करेंगे। लास्ट आपका भाई प्री चेकिंग, बताओ क्या होती है गाड़ी की? पहले हम गाड़ी को बाहर बाहरी रूप से देखेंगे, फिर उसका लीकेज चेक करेंगे, फिर हम बोनेट खोल के सभी लेवल चेक करेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के हम अपना फ्यूल चेक करेंगे, फिर हम सीट बेल्ट शीशे सेट करेंगे, फिर सीट बेल्ट लगाएंगे, फिर गाड़ी सीट बेल्ट लगाना प्री चेकिंग का पार्ट। गाड़ी चलानी नहीं है, प्री चेकिंग मतलब होता है सिर्फ
चेक करना है क्या गाड़ी चलने लायक है या नहीं है, उसको बोलते हैं प्री चेकिंग। फ्यूल चेक करें, सब कुछ देख लेंगे हम चलने से पहले, जो चीज चेक की जाती है उसको बोलते हैं प्री चेकिंग। ठीक है, वो वीडियो देख लो, किधर बता रखी है, अध्याय दिवाती बता लग रहा। ठीक है, एक बार वो रिवाइज करिए इसमें।